गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने देखा एस्टिमेट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे एस्टिमेट करते हैं और कैसे हमारा आंसर चेक करते हैं। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.7 ऑन पेज नंबर 73। एस्टिमेट द टू नंबर्स बिटवीन विच द आंसर विल लाई, देन फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट हमें चेक करना है कि नंबर कौन से नंबर के बीच आता है और उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो फर्स्ट वन इज 27 क्रॉस 5। सो हम क्या करेंगे, पहले रफ बुक लेंगे। ओके, सी 27 क्रॉस 5। सो फर्स्ट 21 के बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में। ओके, अभी ये 5 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ और इसके साथ भी। ओके, सो हियर इज 5 2 10 and 1 0, बिकॉज दिस इज 10। हियर सेम प्रोसेस, 3 5 are 15 एंड दिस 0। ओके, सो आवर आंसर विल बी बिटवीन दिस 200 to 150। Now, do the multiplication of these two number. See, 27 cross 5. So, 7 5s are 35. So, 5 and 3 is on carry. Then, 5 2s are 10. 10 plus 3 is equal to 13. Okay. So, what is our answer? Our answer is 135. This is between 100 and 150. So our answer is right. So here 135. Okay. Now next, 36 cross 8. So 36 is between 30 and 40. Here 30 cross 8 and 40 cross 8. So 30 cross 8 is equal to 8 3s are 24 and 1 0 and 8 4s are 32 and 1 0. So our answer should be between 240 and 320. So 36 cross 8 is equal to 6 8s are 48. So here 8 and 4 is on carry. Now 3 8s are 24. 24 plus 4 is equal to 28. So our answer is 288. So write down in your textbook 288. Okay. So ऐसे ही आपको ये सब examples solve करने हैं. Okay. So you have to complete this exercise by yourself. Now turn the page 74. Okay, so here is word problems. So we already learned about word problems in addition and subtraction. So now this is word problems on base the multiplication. So first is, Arif used 32 marigold flowers to make a garland. How many flowers will we need to make 25 garlands? Arif एक गार्लिन बनाने के लिए 32 मेरीगोल्ड के फ्लावर्स यूज करता है। सो नंबर ऑफ फ्लावर्स यूज टू मेक वन गार्लिन इज इक्वल टू 32। नाउ उसको 25 गार्लिन्स बनानी है, उसके लिए उसको कितने फ्लावर चाहिए होंगे, तो हमें क्या करना होगा, 32 क्रॉस 25। सो नंबर ऑफ गार्लिन्स टू बी मेड इज इक्वल टू 25। कितने गार्लिन्स बनाने हैं, 25। सो नंबर ऑफ फ्लावर्स नीडेड, एक के लिए हमें चाहिए 32। सो 25 के लिए कितने होंगे, तो 32 क्रॉस 25 अगर हम करेंगे तो हमें 25 गार्लिन्स बनाने के लिए कितने फ्लावर चाहिए वो हमें पता चल जाएगा। ओके, सो सिंपल 32 क्रॉस 25। सो फर्स्ट 2 5s are 10, सो हियर 0 एंड 1 इज ऑन कैरी। नाउ 3 5s are 15, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। ओके, देन पुट अ 0, 2 2s are 4
एंड 3 2s are 6 एंड देन सिंपल डू द एडिशन सो आवर आंसर इज 800. सो दिस आंसर इज नेसेसरी टू राइट. 800 फ्लावर्स विल बी नीडेड टू मेक 25 garlands. यहाँ पे देखिए हाउ मैनी सो 800 फ्लावर्स विल बी नीडेड टू मेक 25 garlands. ओके ऐसे आपको आंसर लिखना है. नाउ एक्सरसाइज नंबर 4.8 सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम. देर आर 84 बलून्स इन अ पैकेट. हाउ मैनी बलून्स विल देर बी इन 48 सच पैकेट्स. देर आर 84 बलून्स इन अ पैकेट. एक पैकेट में 84 बलून है. ओके सो नंबर ऑफ बलून्स इन अ पैकेट इज इक्वल टू 84. नाउ हाउ मैनी बलून्स विल देर बी इन ए 48 सच पैकेट्स. नंबर ऑफ पैकेट कितने पैकेट है हमारे पास 48. ओके सो हियर 48. तो हमें 48 पैकेट में भरने के लिए कितने बलून चाहिए. नंबर ऑफ बलून्स सो क्या करना होगा 84 क्रॉस 48. ओके देन राइट दिस नंबर इन कॉलम 84 क्रॉस 48. नाउ 4 8s are 32 सो हियर 2. 3 is on carry याद रखना है 3 कैरी पे है. ओके 8 8s are 64 के बाद 3 ऐड करना है 65 66 and 67. ओके आराम से करना है. देन 0 लिखना है यहाँ पे. 4 4s are 16 सो हियर 6 and 1 is on carry याद रखना है 1 कहाँ पे है कैरी पे. नाउ 8 4s are 32 एंड 1 था कैरी पे सो यहाँ पे आएगा 33. देन क्या करना है एडिशन 2 plus 0 is equal to 2 7 plus 6 is equal to 13 1 है कैरी पे यहाँ. ओके सो 6 plus 1 is equal to 7 7 plus 3 is equal to 10 सो हियर 0 and 1 कैरी पे. 3 plus 1 is equal to 4 सो देर विल बी 4032 बलून्स इन 48 पैकेट्स. 48 पैकेट्स में कितने बलून हो गए 4032. There will be 4032 balloons in 48 packets. So, आपको ये word problem ऐसे solve करने हैं. मैं आपको कुछ word problem आपके homework में देती हूँ. Okay? So, आपको solve करके मुझे WhatsApp पे उसके pic send करने हैं. Okay? Bye.